ये कहानी है लैंड ऑफ माउंटेन्स की। लैंड ऑफ मॉनेस्ट्रीज की। खूबसूरत लेक्स की। और अमेजिंग लोगों की। तो ये है मेरी कहानी वेस्ट एंड साउथ सिक्किम की। अच्छा लगा मिलके आपसे। सो गाइज, मैं पहुंच गया हूँ रावंगला और मुझे इस रास्ते में जाना है। ठंड है यहाँ पे भी, और ये देखो, और ये देखो बादल काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं। और ये मेरी कार जो मुझे छोड़ के जा रही है। बहुत मज़ा आया अंकल के साथ। अंकल ने जो कॉमेडी किया यार, क्या हम हंसाया, मतलब हम लोग हंस हंस के ना पेट में दर्द हो गया था। मज़ा आ गया यार, ऐसा होना चाहिए जर्नी, ऐसे मज़ा आता है। जो मेरा होम स्टे है ना, वो इसी रास्ते में है, और मुझे फ़ोन करना पड़ेगा। काफ़ी सही डिसीजन लिया सिंगथामा गाड़ी में आने के लिए, बिकॉज मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। और गाइज, अभी टाइम हो रहा है 3, तो अगर मैं ब्रेक जर्नी करता ना, तो अभी आधे रास्ते में फंसा हुआ रहता। एक्सक्यूज मी, ये रावंगला बाज़ार क्या सैटरडे को बंद रहता है? आज के दिन में सब बंद है। अच्छा, कल खुलेगा सारा। ठीक है, थैंक यू। गेजिंग की तरह ही यहाँ पे भी सैटरडे को बंद रहता है, तो एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ यहीं से। मैंने अभी जस्ट बात की मेरे होम स्टे के ओनर के साथ, और उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिनट वॉक करना पड़ेगा, तो इस रास्ते मैं वॉक कर रहा हूँ। और ये जो रास्ता है ना, इसी रास्ते में बुद्ध पार्क भी है रावंगला का। और पता करते हैं कि शाम को आज क्या कर सकते हैं, फिर मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। अभी चल चल के हालत ख़राब हो गई है, फिर से आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो गया है मेरा। तो गाइस, मैं अपने होम स्टे पहुँच गया हूँ, और ये रहा। नमस्ते। तो ये है आपका होम स्टे, और क्या है नाम है आपके होम स्टे का? अभी नया है ना, नाम नहीं रखे, कंसर्ट अभी जस्ट हुआ है। ओके, तो सुबह आपसे कल्पना, आप है। ओके, अच्छा लगा। हाय, अच्छा लगा मिलके। तो मैं गाइज अपने होम स्टे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे कल्पना जी है, आपका नाम? आयुष है मेरे साथ, कल्पना जी का लड़का। ये अलमीरा है, कल्पना जी की सिस्टर। तो ठंड भी बहुत है, ठंड यहाँ पे कैसा है? तो बहुत ठंडी है ना, मेरे को तो पहले से ज़्यादा अभी यहाँ पे ठंड लग रहा है। इधर ज़्यादा ठंड है ना, मेरा हाथ पूरा वो हो गया है, जम गया है। तो ठीक है, अंदर चलते हैं और देखते हैं मेरे कौन से रूम है। अभी रेडी हुआ है क्या होम स्टे? जी अभी तो हो रहा है अभी। अच्छा, तो अभी तक फिनिश नहीं है, उसके बाद नाम रखना है। ओके, बुद्ध पार्क तो बहुत करीब है ना। जी, ही रहा। अभी दिख रहा है? नहीं, अभी मतलब आज कल परसों दिख रहा था। वाह, कितना ब्यूटीफुल रूम है, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, आपको क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, मेरे को करना बता देंगे यहाँ पे, क्योंकि बुद्ध पार्क में कल सुबह जाऊँगा।
अर्ली मॉर्निंग, तो थोड़ा क्लियर भी रहेगा वेदर, बट ऐसे अभी आज शाम को क्या कर सकते हैं मेरे हेल्प करो, ठीक है? ठीक है आयुष, चलते हैं। हो फाइनली तुम उतर गए, क्या ज़बरदस्त है गाइस। चलो अभी रूम साफ सुथरा है तो मैं रूम टूर दे ही देता हूँ। सोफ़ा, एक और सोफ़ा, एक और सोफ़ा, बेड, टेबल, इतना बड़ा स्पेस और ये व्यू, क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो मैं कितना पे कर रहा हूँ अभी तक मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं बात करूँगा कि रूही जी ने डायरेक्टली इनको कहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं आ गया। अभी पैसे वैसे की बात हुई नहीं है, तो होपफुली यू नो बजट में रहे, और मैं बात कर लूँगा। एक बार मैं पता कर लेता हूँ कितना पे करना है मेरे को, मैं आपको बता दूंगा। और इनका अभी होम स्टे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इनका नाम अभी होम स्टे का रखा नहीं गया है, इनसे मैं पूछ लूँगा। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो तो मैं इनका नंबर जो है होम स्टे का मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? और बाथरूम देख लेते कैसा है। अच्छा, तो यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है, बीच में एक मस्त सा पिलर है, गीज़र भी है जो सबसे ज़रूरी है ऐसे ठंड वाले जगह पे। यहाँ पे वॉश बेसिन है, पूरा हवेदार खुला रूम है यार। और यहाँ से गाइस माउंट कंचनजंगा दिखता है, बोल रहा है आयुष, और आई थिंक कल उसने देखा था सुबह, तो होपफुली कल अगर अच्छा दिन रहा तो एक बार तो कंचनजंगा देखना बनता है यार सिक्किम के ट्रिप में। और मैं वेस्ट से अब साउथ में आ गया हूँ, तो रावंगला इज इन साउथ, और मैं फटाफट फ्रेशन अप हो जाता हूँ, एंड देखते हैं क्या करना है। वो बोल सुनी नेपाली था। तो गाइज मैं नेपाली में बात कर रहा था इनको, वो मेरे को नेपाली आता है इनको पता नहीं था, तो अभी मैंने बताया कि मैं मुझे नेपाली आता है, तो इन लोग सरप्राइज हो गए। अच्छा है, अभी हम लोग नेपाली में भी बात करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि मैं नेपाली में क्या बात कर रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए। केले बोल लो, छोजो लेक, तो छोजो लेक शायद मैं जाऊँगा शाम को। कति समय खुला हुन्छ? गेट तो नहीं खुला होगा, उनको छिर के जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम लेके जाओगे? ट्यूशन ट्यूशन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं घूमते फिरते चला जाऊंगा आराम से लेक में, ठीक है ना? अब तीन जल्दी बने जाने हैं ना, अलग से बनू अंत संगे जानु पड़ता है, अंत फिर बेलका आएर चाहिँ बस्छु तपाईहरुसँग ल, अंत त्यति बेला फ्री नै हो म। तो गाइज मैं ये बोल रहा था कि अभी मैं ऊपर लेक की तरफ जाऊँगा, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट 3 हो चुका है, और एक सीक्रेट रास्ता है भाई मेरे को दिखाएगा आयुष भाई कि कैसे जाना है, तो वो लेक घूमते घूमते शाम हो जाएगा, फिर शाम को आके इनके साथ चिल करना है, मुझे इनविटेशन मिला है चिल करने के लिए इनके साथ, तो वो करने के बाद फिर कल सुबह आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे बुद्धा पार्क शूट करूँगा, मैं एक्सप्लोर करूँगा, मैं कभी किया भी नहीं हूँ, तो उसके बाद फिर देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। सो गाइज अभी मैं बाहर निकल चुका अपने होमस्टे में चाय मस्त पी के, मेरे साथ है आयुष, आयुष मुझे लेके चल रहा है, यहाँ पे एक स्पॉट है जो थोड़ा सीक्रेटली जाना पड़ेगा, तो वो मुझे दिखाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4 o'clock, और जहाँ मैं रह रहा हूँ ना एग्जैक्टली लाइक ना 2 कदम दूर ही है बुद्धा पार्क, विच इज़ रियली गुड, कल सुबह मुझे मज़ा आएगा। ओके, ये कौन सा रास्ता है बस वो मेरे को दिखा देना, ठीक है? ओके, बहुत सही है, ठंड खतरनाक है, मैंने तो एकदम जुगाड़ में मैंने बेनी कैप ले लिया यहाँ पे अपना, ये वाला कैप पहनने का मौका नहीं मिला था ये पूरे ट्रिप में, तो आज आ गया इसका समय, और मैंने हैंड वार्मर भी ले लिया है, तो रात को अगर क्योंकि हवा बहुत चल रहा है तो उसकी वजह से ठंडा, कितना टेम्परेचर होगा अभी? 10 के नीचे ही होगा अभी तो, हाँ जी 7-8, तो 7-8 degrees Celsius है अभी यहाँ पे, मतलब हवा जो चल रहा है ना लग रहा है उंगली में, तो कोई नहीं इसी का तो मज़ा है। टाइम एवरीथिंग गेट्स शट हियर, तो कितना बजे बंद हो जाता है सब कुछ? मैक्सिमम 8-9 o'clock तक। मॉनेस्ट्री जैसा होटल है यार, पूरा मॉनेस्ट्री लुक दिया है ना गाइस, लुक एट दैट, बहुत सही है, येलो ब्लू और रेड जो इनका मेन थीम रहता है, राइट? मतलब महंगा भी होगा भाई, हम 6000 पर नाइट है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा भाई, हमसे ना हो पाएगा। मतलब 2 दिन रहोगे तो फिर एक अच्छा खासा आदमी का सैलरी चला जाएगा।
कलर का गार्ड दिख रहा है, हाँ 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 हाँ, उसके नीचे जाना, उसके नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस मुझे ये ट्रेल यहाँ से लेके जाना है, ऐसे जाके फिर वहाँ पे वो रास्ता से नीचे की तरफ जाना है। ओके, देयर इज अ वे टू कम अप, या लाइक दिस ओनली, राइट? या या, ओके, नो प्रॉब्लम। तू गया था, मैं फोन करूंगा। थैंक यू, बाय। सो गाइस अब एडवेंचर शुरू, अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यस, फाइनली ट्रैकिंग शू काम आ रहा है मेरे को। सो आई हैव टू बी बैक जल्दी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे और कोई है इस जंगल में, मैं ही अकेला हूँ। तो गाइस मैं लेट पहुँच चुका हूँ, और जिस तरह का यहाँ का माहौल है ना, मेरे को लगता है ये अबैंडन जगह है, यहाँ पे अब कोई नहीं आता है, मतलब कुछ नहीं, सब टूटा फूटा है। सारे यहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं हट्स हैं, जो जहाँ पे खाना वगैरह मिलता है, सब बंद है। तो लुक एट इट, पर काफ़ी खूबसूरत है। आई विश कि ये ओपन होता यार। तो ये मैन मेड है, पीसफुल जगह है। मच्छी तो होंगे 100%, मुझे फ्रॉग्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ऊपर एक ट्री हाउस है, और इधर गौतम बुद्ध ऊपर। गाइस जो गौतम बुद्ध यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो है बुद्ध पार्क। सो गाइस मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, एक भाई है उसने कॉल किया है, आपको याद है प्रमोद जी का होम से डार्जिलिंग में शोलोमिन, तो उनका कोई पहचान वाला है जो अभी राबंगला में है, जो मुझे पता चला अभी। तो ही इज़ कमिंग टू मीट मी, तो वो अभी रोड के ऊपर में आ रहा है, तो मुझे फटाफट ऊपर की तरफ जाना है। बता दो ऊपर मस्त हाइक करके, अभी फटी पड़ी है तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ इस रोड के साइड में आराम से बैठ के। और वो जो भाई के बारे में बता रहा था, वो अभी भी रास्ते में आएगा, तो तब तक मैं यहाँ पे आराम से रेस्ट करके बैठता हूँ। मेरे पीछे जो नीचे है ना, इसी के नीचे लेक था वो, और ये आगे बुद्ध पार्क है। तो अभी देखते हैं, अभी भी लाइट है, तो होपफुली कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। तो लेट हिम कम, फिर आपको बताता हूँ आगे का कहानी क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, और ये भाई आ गए, जो मैंने बताया था कि प्रमोद भाई जो दार्जिलिंग के हैं उनका, उनसे ही पूछ लेते हैं। सो यहाँ पे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो गाइस, आई एम रिक्स लापुटिया, और मेरे साथ स्टूडेंट। ओके, तो आप, मैं आपके ब्लॉगर के साथ ही आपका ब्लॉगर का गाइड होने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ये आए मेरे लिए। मैं यहाँ पे नीचे गया था, फिर आप देखे ही, फिर मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। तो रिक्ज़ेला, दिस इज़ हाउ आई प्रोनाउंस यू, रिक्ज़ेला। मैं मिल रहा हूँ रिक्ज़ेला से, एंड देखते हैं अभी क्या करना है। इन अ रिलीजियस थिंग इज कॉल्ड गुरु रिंपोचे, लाइक आवर गॉड ऑफ वॉरियर। सो ही केम टू दिस प्लेस एंड सॉ डैम डीमंस, लाइक वो डीमन होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डीमन लोग को देखा, और वो लोग ने, वो गुरु रिंपोचे वो बहुत पावरफुल होता है, वो हमारे बुद्धिस्ट में अच्छा है, तो उसने सबको मार दिया। तो उसने ये प्लेस क्रिएट किया, ये पीसफुल प्लेस होना चाहिए बोल दिया। तो वो ये स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि ये ऐसा वो बहुत डीमन फुल जगह था ये राबंग, ये बोल रहा था। तो ये बहुत फुल ऑफ ग्रेव्स, ये डीमन। तो गुरु रिंपोचे आ गए,
तो आपने हिस्ट्री पे देखा होगा कि वो आप वेस्ट से आए हो ना, हाँ जी, तो हाँ वेस्ट पे आपने खिचुपेरी लेक को देखा होगा, हाँ जी, खिचुपेरी लेक का वो फुटप्रिंट है, वो गुरु रिम्पोचे का ही बोल रहा था, तो वो उधर से आ रहा था। अच्छा, तो सिक्किम पे वो लैंड हुआ, सिक्किम पे लैंड हुआ और ये देखा क्या वो, ये वो वेस्ट पे आया, वेस्ट से वो आ रहा था, तो उसने वो आपका ब्रिज है ना, जो क्या बोलते हैं उसका हैंगिंग ब्रिज है ना, हाँ जी हाँ जी, वो सांगसुर ब्रिज, सांगसुर, हाँ, कुछ तो ब्रिज है, कुछ तो वो ही था, ये आपका पेलिंग के वहाँ से जाना पड़ता है, सिंगशोर ब्रिज, सिंगशोर ब्रिज है वो, तो उससे मैं आपको ये हिस्ट्री बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा है हमारे ऑडियंस के लिए। हाँ, तो ये उधर से आ रहा था, तो उधर भी डीमंस देखा, वो आप मंक्स के वो डिफरेंट शेप का हेड देखते हो ना, हाँ जी, तो जी। उसी शेप पे वो था, ठीक है, तो वो मॉर्निंग पे देखा कि उधर से डीमंस, वो नेपाल से डीमन जा रहा है, तो नेपाल से डीमन जा रहे हैं, तो वो उधर ही जाके वो मेडिटेशन करने लगा, तो वो लेक शेप के आपको वो गुफा भी देखा होगा, हाँ जी, हाँ, तो लेक शेप पे गुफा में वो लोग मेडिटेशन किया, हाँ, अभी मैं लेक शेप होके ही आया हूँ, हाँ, मैं, हाँ, वो मेडिटेशन किया, वो मेडिटेशन करते करते उसने वो डीमंस को मारने के लिए वो पावर वो लिया है ना, okay. तो वो पावर लेके उसने सब ये साउथ का और वेस्ट का डीमंस खत्म कर दिया, तो ये अब ये होली प्लेस से, बिकॉज यू नो दैट्स व्हाई दे से यू नो रावणला इज अ होली सिटी, होली प्लेस, यू नो द मोमेंट आई केम इन हियर, नो आई स्टार्टेड गेटिंग दोस वाइज, यू नो इट्स लाइक यू नो द वे इट हैज, या द वे इट हैज बिल्ट, द वे द रोड्स आर लाइक, द वे द सराउंडिंग्स आर लाइक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है मेरे को, yeah. नहीं कोई बात नहीं, नहीं जिस तरह से आपने बात किया काफ़ी अच्छा लगा सुन के, थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए इस जगह के बारे में और जो उसका सिग्निफिकेंस है, तो कल गाइज मैं अच्छे लाइट पे अंदर से आपको दिखाऊंगा इस जगह को, और आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और थोड़ी देर के बाद अंधेरा होने वाला है, और इस जगह को एटलीस्ट कवर करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है ना, कम से कम 1 से 2 घंटा, सो वी आर ड्रिंकिंग टी और मोमो साथ में, ठंड काफ़ी है भाई, अभी बता देता हूँ मैं, यह है ठंड, 9 degrees है टेम्परेचर और हवा काफ़ी चल रहा है और काफ़ी धुंध हो चुका है यहाँ पे, और उस तरफ सनसेट भी हो रहा है, ऑरेंज स्काई दिख रहा है, आई होप कि कल सुबह क्लियर स्काई हो, थोड़ा बहुत कंचनजंगा दिखे आपको मैं दिखाऊं, एंड अभी फटाफट खा लेते हैं फिर देखते हैं, अभी ज़्यादा कुछ करने को है नहीं आज, कहाँ पे ऊपर अभी ठीक लाइट नहीं है अभी तो नहीं, कल सुबह गाइज, अभी यहाँ पे डिनर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली का बन रहा है, ओ वाह, और इसमें क्या बन रहा है, ये तो मीट है ओके, और आपका नाम कुमार भाई, तो मैं कुमार भाई के होम स्टे में हूँ, अभी तक ये होम स्टे रेडी नहीं हुआ है, बट एक स्पेशल रेफरेंस के वजह से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा, मैं दोपहर को ही आया था जैसे आपको बताया मैंने, और काफ़ी वार्म फीलिंग आ रहा है यहाँ से, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अभी मैं बाहर जैसे गया था आपको मतलब अंधेरा हो गया, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ, और गाइज अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:10, तो 1 घंटे में शायद डिनर हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन मैं रेस्ट लूँगा आपके यहाँ पे, और जैसे अभी फ़िलहाल गेस्ट आप लोग अलाउ कर रहे हैं कि ओनली रेफरेंस में ही आप, जब कोई किसी को बोलता है तो आप अलाउ करते हैं, रेफरेंस में अदरवाइज नहीं करते हैं अभी, तीन महीने के बाद सो इनका होमस्टे का नाम कोयू होमस्टे होने वाला है फ्यूचर में, एंड 3-4 महीने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। आपने आपका नाम नहीं बताया, मेरा नाम अंजलि है। हाय अंजलि, हेलो। अंजलि जी ने अभी जस्ट अपना स्टोरी शेयर किया, इन्होंने पैसा हार गया, तो पैसा हारने के बाद इन्हें वॉक पे जाना था अच्छा फील करने के लिए, तो अभी कैसा लग रहा है, अभी एकदम चकास, अभी खिलेंगे, अभी अच्छा लगता है, पर एक दिन आएगा जितना आपने हारा है ना सभी इधर आएगा, होपफुली अभी बात नहीं कर सकते, कल शादी है, अच्छा शादी देखने को
ओके हाँ मैं नेपाली का साथी एक बार ट्रेन किया बहुत मजा आता रमाइलो हुन्छ नि नेपाली को साथी बिहा तो म ट्राई गर्छु किनकि मेरो मन्डे चाहिँ अलिक अफिसियल काम छ सिलगढीमा अन्त मलाई फेरि पुग्नु पर्छ अब हेरौँ कसरी चाहिँ टाइम मिल्छ अब यहाँ पे यो छुर्पी का ये अचार बन रहा है ये क्या बन रहा है ये छुर्पी का अचार बन रहा है तो आज खाना काफी टेस्टी होने वाला है मतलब मेरे को तो पहाड़ का मेरे को नेपाली खाना चाहिँ मलाई पुरा मन पर्छ नि मेरो फेभरेट हो पुरा मतलब इन्डिया पुरा ट्राभल गरेको नि आफ्टर नेपाली चाहिँ मलाई फेरि साउथ इन्डियन मन पर्छ तो गाइस काफी मजा आ रहा है यहाँ पे बातचित करके कल्पना जी है आपका नाम फिर से भूल गया मैं अंजलि जी है अब नहीं भूलूंगा इतने दिन से मैं इतने सारे लोगों से मिल रहा हूँ ना और स्पेशली जो लोग जो यहाँ से लोकल हैं और जिसका बुद्धिस्ट नाम है ना बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करना मैं तो भूल जाता हूँ बहुत फटाफट हेलो आयुष कैसा रहा ट्यूशन बच्चा पार्टी गैंग नाम सिल्विया राय व्हाट्स योर नेम तेरी तिम्रो बहिनी व्हाट्स योर नेम एंड आई नो योर नेम माय नेम इज आयुष राय हेलो नाइस मीटिंग यू सो गाइज अभी वापस से मैं रीयूनाइट हो गया हूँ बच्चा गैंग से यहाँ पे सारे के सारे खाना खा रहे हैं लो तो शी इज द फर्स्ट वन जो पहले फटाफट डिनर खत्म कर दिए अभी लास्ट में ही बचा हुआ हूँ मैं और कुमार भाई अंजलि दीदी बैठी हुई हैं तो अभी इन सबको डिनर करने मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ आज का दिन काफी एडवेंचरस था और काफी मजा आया नए नए लोगों से मिला मैं एक लोकेशन को छोड़ के मैं दूसरे लोकेशन पे आया इट वाज अमेजिंग फिर मैं खाना खाया खाना काफी यम्मी था खाने में चावल था सब्जी था उसके बाद मीट था एंड सबसे बेस्ट छुर्पी का अचार था इट वाज माइंड ब्लोइंग बहुत मजा आया खा के अभी मैं अपने रूम पे आ गया हूँ डेटा कॉपी हो रहा है अभी थोड़ा थक भी गया हूँ कल सुबह जल्दी उठना है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को अब एंड कर दूँ कल नया दिन रहेगा नया ब्लॉग शुरू होगा आई होप आपको मज़ा आएगा एंड तब तक बने रहें टिल देन लव योरसेल्फ एंड कीप हॉपिंग एंड जस्ट वेट फॉर टुमारोज़ ब्लॉग टू बी फन